बात करते हैं ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर के बारे में। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर को पता लगाने के लिए कि वाइपर ऑटो पे है या नहीं, आपको आपकी फिजिकल में अगर आप देखोगे तो दोनों जो आपका वाइपर का स्विच है वो और जो हेडलाइट का स्विच है वो दोनों एक पैरेलल में होगा, मतलब एक लाइन में, एक सीध में आपको दिखेगा। अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा है तो आप जस्ट वाइपर को एक बार नीचे फ्लिक करिए। अभी एट द मोमेंट मेरा वाइपर ऑफ हो गया है, ये पहले ऑटो पे था और अभी मैंने इसको ऑफ किया है। अगर इससे भी नहीं पता चल रहा है तो एक बार जस्ट आपके वाइपर का जो स्विच है उसको नीचे एक बार फ्लिक करिए, एक सेकंड के लिए ये जो सिंगल स्ट्रोक का वाइपर ऑन होता है वो होगा। तो इसका मतलब है कि अभी मेरा वाइपर ऑफ है, ये मैंने इसको ऑटो पे किया तो मेरा वाइपर एक बार मेरे को इंडिकेशन देगा कि अब द वाइपर इज ऑन ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक वाइपर जैसे ही आपका ऑटो मोड पे रहेगा, अभी एट द मोमेंट मेरा जो वाइपर है वो ऑटो मोड पर है, वो जब ऑटो मोड पे रहेगा तो अगर आपका जो सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला सेंसर, इसको इसके ऊपर अगर पानी का ड्रॉप भी गिरा या फिर अगर कोई बाहर चलते हुए कोई सूखा पत्ता भी गिर गया तो भी वाइपर एक बार पूरा लेफ्ट टू राइट आपके पूरे विंडशील्ड को साफ करेगा। उसका एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये अभी मेरे हाथ में एक कपड़ा है और मेरा जो वाइपर है वो अभी ऑटो मोड पे है। मैं यहाँ पे जो मेरा सेंसर है उस पे ये कपड़े को रखूँगा, मेरा वाइपर एक बार अपने आप ऑन हो गया। फिर से दिखाता हूँ, वाइपर अभी बंद है, मेरा वाइपर जो है वो ऑटो मोड पे है और ये मैंने कपड़ा रखा तो वाइपर एक बार वर्क किया।